हेलो डियर एस्पिरेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग जानते हैं कि अभी आपकी जेई मेंस और जेई एडवांस की जो है न्यू डेट्स अनाउंस हो चुकी है, तो यहाँ पे आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिटसेट 2022 एग्जाम के लिए भी अपियर होने वाले, तो उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर आपकी बिटसेट 2022 की न्यू डेट्स क्या होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर न्यू डेट्स क्यों रखी जा रही है, क्योंकि आपका जो है ये चीज देखने को मिल रही है कि जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट के साथ आपके बिटसेट के फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट दोनों ही क्लैश हो रहे हैं। तो ये चीज तो पक्की है कि आपके बिटसेट की डेट्स को चेंज किया जाएगा। तो अब जो है हम एक्सपेक्टेड डेट्स क्या लेके चल सकते हैं ताकि आप लोग जो है अपना एम सेट कर पाए, तो यही चीज जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो है हमारे आपके लिए स्पेशली दो बिटसेट के लिए जो है कोर्सेस लॉन्च हुए हैं। एक तो है आपका बिटसेट क्रैश कोर्स बैच 3। तो बैच 1 और बैच 2 में यार आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिखाया और स्टूडेंट्स का काफी अच्छा रिस्पांस रहा हमारे कोर्स के प्रति, तो हमने जो है आपके लिए रिसेंटली बैच 3 को लॉन्च किया है। और अगर आप लोग जो है बिटसेट एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है तो उस कोर्स को आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि इस कोर्स से जो है आपके बिटसेट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, साथ ही साथ आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो पूरे जो है कोर्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक मिल जाएगी, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो है स्टूडेंट्स पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट है बट एलआर और इंग्लिश में उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार वो सेक्शन में उनको मेहनत की जरूरत है, तो उनके लिए जो है हमने एक सेपरेट कोर्स लॉन्च किया है, एलआर एंड इंग्लिश बैच 2। और ये बैच जो है ये आपके एलआर एंड इंग्लिश का जो पोर्शन है उसको काफी ज्यादा स्ट्रांग कर देगा। तो आप जानते हैं कि बिटसेट में लगभग जो है एलआर और इंग्लिश का आपका 90 मार्क्स का वेटेज है, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को ट्राई करना है कि कम से कम 80 प्लस लाए, और ये कोर्स जो है ये आपको डेफिनेटली इस चीज के लिए हेल्प करने वाला है। तो उसकी भी जो है आपको कोर्स डिटेल्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो तुरंत ही जाके चेक करें। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या हो सकती है। अगर हम आपके अभी जो एग्जाम्स है उनका करंट सिनेरियो देखें, तो आपका जो जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है वो होगा 20th से लेकर 29 जून तक, और आपका जो जेई मेंस का सेकेंड अटेम्प्ट है वो रहेगा शेड्यूल फ्रॉम 21 जुलाई टू 30th जुलाई। साथ ही साथ जो जेई एडवांस की न्यू डेट्स आई है उस हिसाब से आपकी जो एग्जाम है वो 28 अगस्त को रहेगी। तो अब जो है बिटसेट के हमारे हम मान के चलते हैं कि आपके दो अटेम्प्ट ही होने वाले, तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है वो पड़ेगा आपका जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट एंड जेई मेंस सेकेंड अटेम्प्ट के बीच में, और जो आपका सेकेंड अटेम्प्ट हो जाता है वो जेई मेंस के सेकेंड अटेम्प्ट और आपके जेई एडवांस जो है उसकी डेट के बीच में पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर जो है हम एक्सपेक्टेड डेट्स आपकी मान ले तो वो हो जाती है 3rd to 10th July फॉर अटेम्प्ट 1 एंड 14 से लेकर 21st August फॉर अटेम्प्ट 2। तो ये जो है ये आपके बिटसेट की फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकेंड अटेम्प्ट की डेट्स हो सकती है। अब यहाँ पे ये जो डेट्स है ये इस हिसाब से रखी जाएगी कि भाई आपकी जो पुरानी डेट्स आपको दी गई थी तो उसमें भी आपका लगभग एक महीने का गैप था, तो ये भी सेट ऑफ डेट्स में आपका लगभग एक महीने का गैप रखा जा रहा है। और कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट आ रहा होगा क्या हमारी जो है बिटसेट की डेट्स आपकी सितंबर के आसपास भी हो सकती है, तो यार इतना ज्यादा जो है वो डिले नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो है आपकी काउंसलिंग प्रोसेस भी डिले हो जाएगी, फिर आपका सेमेस्टर भी लेट स्टार्ट होगा, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी सी दिक्कत भरी चीज हो जाती है। तो जो है मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड सेट ऑफ डेट्स बताई है वही जो है आपको देखने को मिल सकती है। नाउ एक और कॉमन सवाल जो कि हमें स्टूडेंट्स का देखने को मिल रहा था, कैन बिटसेट 2022 बी प्रीपोन्ड? तो यहाँ पे यार प्रीपोन्ड के जो है चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि देखिए पिछले साल यही चीज हुई थी कि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो उन्होंने जेई एडवांस से काफी पहले स्टार्ट कर दिया था, और फिर जो है उसकी वजह से स्टूडेंट्स अपनी सीट रोक के बैठे थे और लास्ट में जो है उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी, तो इसके वजह से जो है आपके कट ऑफ काफी ज्यादा गिरे थे। तो एडमिनिस्ट्रेशन पक्का इससे कुछ चीजें को सीखेगा और वो जो है अपनी प्रोसेस को जेई एडवांस के साथ साथ ही चलाएगा, तो यहाँ पे जो है हम प्रीपोन्ड के चांसेस थोड़े कम ही मानते हैं। बाकी देखिए यार चांसेस तो फिर कुछ भी हम कह नहीं सकते, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का अगर कुछ नया फैसला रहता है और उनको जो है अपने सेमेस्टर को और जल्दी स्टार्ट करना है तो शायद वो जो है ये चीज भी कर ले। बाकी आप लोग अपनी तैयारी जो है पुरानी सेट ऑफ डेट्स आपको देके रखी है, यानी कि जेई मेंस के आसपास की जो डेट्स है उसी के हिसाब से करिए, इससे आपको फायदा ही होगा। आपको ये चीज रहेगी कि आपका सिलेबस काफी पहले तक कंप्लीट हो जाएगा, साथ ही साथ आप टाइम पे जो है मॉक टेस्ट दे पाएंगे जिसके कारण आपका स्कोर काफी ज्यादा बढ़ सकता है फॉर बिटसेट 2022। तो हमें बिल्कुल भी यार इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। बाकी आपके लिए जो है हमारे नए कोर्सेस ऑलरेडी लॉन्च है, तो जिन स्टूडेंट्स को भी यार बिटसेट में जो है डिफिकल्टी फेस हो रही है, उनको लग रहा है कि बिटसेट के लिए उन्हें एक एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत है, तो ये कोर्स आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करता है। तो आप जो है हमारे कोर्सेज को हमारी वेबसाइट tenqchallenge.in पर चेक कर सकते हैं, बाकी सारी जो है उनसे रिलेटेड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो इसी तरीके से यार आपके लिए बिटसेट 2022 से रिलेटेड सारी अपडेट्स और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।